और मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई हैं, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। अदलिया पर दबाव मुदाखलत के इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि मुझसे किसी ने राबता नहीं किया, बज़ाहिर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जायदादों की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए महकमे रेवेन्यू के इश्तराक से हाई कोर्ट में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। साथ ही तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस और वकील रहनुमा भी शरीक थे। साइलीन को अदालत में जमा कराई जाने वाली दस्तावेजात की तस्दीक फौरी तौर पर हो सकेगी। खुदा की रहमत से मुझ पर आज तक कोई दबाव नहीं आया। एक अनसीन से एक वो होते मामला और जो माजरत के साथ सोशल मीडिया के जरिए या उसके जरिए पता चलते हैं। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो वो बेईमान नहीं हो सकता। आई डोंट नो, मैं दिल नहीं मानता। जज करप्ट नऊज़ु बिल्ला या दबाव में आने वाला नहीं होता। मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़े सी कुछ अटेम्प्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।